हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। और गाइस, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं किस्त और उफीलों के बारे में। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि भैया किस्त और उफीलों वाले आ रहे हैं घर और बहुत ही बदतमीजी तरीके से बात कर रहे हैं, गाली वोली दे रहे हैं और मारने पीटने की तक की धमकी दे दे रहे हैं घर पे आके और कॉल करके। सो गाइस, जो भी किस्त वाले घर आ रहे हैं, ज्यादातर लोग के घर तो वो नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि वो जो ज्यादातर मुंबई में जिनका घर है उन्हीं के घर किस्त के रिकवरी एजेंट और रूफीलों के पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि गाइस, जो किस्त है वो मैं आपको बता दूं, उसका ऑफिस मुंबई में है, इसीलिए किस्त और रूफीलो जो है उनके जो भी रिकवरी एजेंट हैं, किस्त का मुझे ज्यादा पता चला है, रूफीलो के शायद एक आध दो जगह गए होंगे मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन किस्त के, क्योंकि दोनों की एनबीएफसी एक ही है। वैसे तो रूफीलो का किसी में शो होता है, किसी के सिविल में नहीं होता है, लेकिन किस्त का डेफिनेटली शो होता है। तो किस्त का जिसका भी मुंबई में घर है उनके यहाँ जा रहे हैं उसके रिकवरी एजेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे आपको बचना है, कैसे उनसे बात करना है, कैसे उनके आपको डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात करना, आज के वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला। और यकीन मानो दोस्त, अगर आपने ये चीजें फॉलो कर दी तो बहुत राहत आप सभी लोगों को मिलने वाला है। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले बता दूं, अगर आप हमारा मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 500 का मेंबरशिप है 1 मंथ का, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, 1 महीने तक आप हमसे डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हो और अपना कोई भी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हो 1 महीने तक 500 में। तो गाइस, मेंबरशिप लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा कैसे लेना है। चलिए दोस्तों, तब वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले कोई भी किस्त या रूफीलो के रिकवरी एजेंट आए आपके यहाँ, तो आपको सबसे पहले उनसे उनका डॉक्यूमेंट पूछना है कि भैया तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या चीज़ के बेस पे हमारे पास आए हो, अपनी आईडी दिखाओ, हर चीज़ उनसे पूछना है। और उसके बाद आपको बताना है कि हम जो लोन लिए हैं उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है, कितने काम लोन लिए हैं, हमें ये सब सारी डिटेल बताइए। हालांकि वो उनको मालूम होगा, लेकिन आपको उनसे उनका आईडी पूछना है। और थोड़ा भी अगर बदतमीजी करते हैं, क्योंकि गाइस देखो, बदतमीजी करना किसी भी लोन रिकवरी एजेंट को बिल्कुल अलाउ नहीं है, और यहाँ तो मारने की धमकी देते रहे सब, तो अगर थोड़ा सा भी बदतमीजी हो रहा है तो गाइस तुरंत आपको 100 नंबर डायल करना और पुलिस को फोन करके बुला लेना है। क्योंकि पहले ही मैं आपको बता दूं, आप लोन लियो, कोई चोरी नहीं की हो, ठीक हो गाइस? ठीक है गाइस, तो आपको पुलिस को फोन करके बुला लेना अगर आपके साथ थोड़ा भी बदतमीजी हो रहा है। और गाइस, वो तो अपना काम करेंगे, क्योंकि कितना भी इनका कंप्लेन हो जाए, ये कर ही रहे हैं, लोग ट्विटर पे इतना ज्यादा किस्त को कंप्लेन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन गाइस किस्त बस खाली एक ट्वीट कर रहा है कि भैया हम आपको एक सीक्रेट मैसेज भेजे हैं, हम इसमें जो भी आपके साथ हो रहा है हमें बहुत खेद है, उस मैसेज को आप पढ़ लीजिए। तो गाइस सीक्रेट मैसेज भेज रहे हैं, मतलब कि यहां पे पब्लिकली उनसे बोला जा रहा है और वो सीक्रेट मैसेज भेज रहे हैं। मैसेज में क्या भेज रहे हैं कि आप इतना अमाउंट दे के अपना 15 दिन का लोन बढ़वा सकते हैं, आपका डेट बढ़ जाएगा, इतना पैसा दे दीजिए। तो गाइज, इतना पैसा दे के कभी भी 15 दिन का लोन मत बढ़वाना, क्योंकि वो आपको उल्लू बना रहे हैं, आपसे और पैसा ले लेंगे और 15 दिन का डेट और दे देंगे और फिर आपको प्रताड़ना वैसे ही चालू हो जाएगा 15 दिन के बाद। तो 1 रुपया भी देना नहीं है गाइज इनको, ये पहले ही बहुत इलीगल काम कर लिए हैं, अब इनको दोबारा 1 भी रुपया आप लोग देके ये गलती तो कभी भी मत करना। किस्त और उफीलों से मैं बोलना चाहूंगा कि आपको कम से कम 2-3 महीने का मॉडरेटोरियम देना चाहिए, मॉडरेटोरियम दीजिए, क्योंकि बहुत जगह अभी भी लॉकडाउन आई थिंक है और बहुत जगह लग रहा है कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इस केस में क्या है गाइज, मेरे यहाँ यूपी में यहाँ तो गाइज लड़कियां तक फ्लिपकार्ट और अमेजोन का कुरियर डिलीवर कर रही है, मतलब मैं अपने जिंदगी में पहली बार देखा हूँ कि हमारे यहाँ लड़की आज एक स्कूटी से हमारा पार्सल लेके आई थी। मेरे घर के बगल में एक आंटी है, उनका पार्सल लेके आई थी, मतलब मैं तो शौक रह गया। मतलब आप खुद समझ सकते हो कितना ज्यादा बेरोजगारी है जो लड़कियां इस काम पे कर रही हैं, ऐसा काम कर रही हैं धूप में, इतनी कड़कड़ाती धूप में, मार्च चल रहा है इसके धूप में गाइज वो कुरियर बांट रही हैं, तो इतना ज्यादा बेरोजगारी है। लेकिन इन तुच्छों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा समझ में आ रहा है। सो गाइज, कोई भी आपको अगर किस्त रूफीलों से परेशान कर रहा है, भले वो एनबीएफसी रजिस्टर है, आपको उसका पेमेंट करना है, लेकिन आप ये बोलो कि भैया आप कम से कम अपना पेनाल्टी रिमूव करो, भले इंटरेस्ट ले लो लेकिन पेनाल्टी रिमूव करो, इनके कस्टमर सपोर्ट से थोड़ा प्यार से बात करो, आप लोग ज्यादा मतलब कि गर्मी मत दिखाया करो कि हाँ, मतलब ये लोग काम तो देखो गुस्सा आपको दिलाने लायक ही है, लेकिन आप थोड़ा प्यार से बात करो, हो सकता है ये लोग बहुत सारे लोगों का बेवॉफ किए हैं पेनाल्टी, तो आपका भी कर सकते हैं। मैं फिर से अपने वीडियो में बता दे रहा हूँ गाइज, मैं पहले भी बताया हूँ कि बहुत सारे लोगों का किए हैं, मेरे खुद सब्सक्राइबर का किए हैं, तो गाइज आपका भी डेफिनेटली कर सकते हैं। आप बस उनसे प्यार से बात करो, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, अपने प्रॉब्लम के बारे में उनको बताओ और अपना सॉल्यूशन उनसे लो। उनको बस ये बोलो कि सर मेरे पास अभी पैसा नहीं है, अगर आप कुछ भी कर लोगे तो मैं आपका पेनल्टी के साथ पैसा पे नहीं कर पाऊंगा इंटरेस्ट के साथ, आप सिर्फ हमको जितना दिए उतना हम आपके अकाउंट में डाल सकते हैं, बताइए आपको चाहिए तो बोलिए, नहीं तो फिर अब आप जो कर रहे हैं आप कर लीजिए, हम कहाँ से पेनल्टी लें, अपना घर जमीन तो बेचेंगे नहीं आपके पेनल्टी और इंटरेस्ट के लिए। लेकिन इनका जो पेमेंट है, जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट आप हमें दिए हैं, हम उतना आपको देने के लिए तैयार हैं, ऐसा आप इनसे बोलिए। फिर भी अगर नहीं मानते हैं
तो आपके एरिया के जो भी बड़े अधिकारी हैं, जो भी बड़े बड़े पोस्ट में हैं या फिर एमएलए हैं या कोई भी हैं, उनसे आप कंप्लेन कर सकते हो। और साथ ही में दोस्तों कंज्यूमर फोरम में आप डेफिनेटली कंप्लेन कर सकते हो। वहां पे आपको एक टोकन नंबर मिलता है जिससे आप ट्रैक भी कर सकते हो कि आपका कंप्लेन किस किस जगह पहुंचा, अभी कितना आगे तक उसमें प्रोसेस हुआ है आपके जो भी कंप्लेन में। तो किस तौर फिलो की जो भी एनबीएफसी ऐसा ही करेगा। हालांकि ट्वीट पे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इनको कुछ करना चाहिए क्या, ये सब अपने मर्जी से कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी रिकवरी एजेंट कर रहे हैं, कुछ भी गाली गलौज कर रहे हैं। तो गाइज देखो, हम पहले भी आपको मैं बता चुका हूं कि ये देश हमारा भारत है और यहां पे सिर्फ मनी भाई चलते हैं। मनी जिसके जेब में है वही पूरे दुनिया का बाप है, वही सबका बाप है। मैं फिर आपको बता दे रहा हूं, पहले भी बताया हूं कि बड़े बड़े नेता हो गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, बहुत बड़े बड़े लोग हो गए जो कि गाइस बहुत बड़ा बड़ा कर्म कांड कर देते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, सारा नियम कानून हम ही लोग के लिए बनाया है। भले पुलिस वाले बिना हेलमेट के चलेंगे उनको कोई पूछने वाला नहीं है, भले पुलिस वाले की गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं रहेगा, वहां पे पुलिस का बस खाली पुलिस लिखा रहेगा या तो निशान बना रहेगा उसका, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम लोग मिडिल क्लास वाले, अगर हम लोग आम आदमी अगर रास्ते पे चल गए और हमारा एक नंबर भी मिटा हुआ है, तो हमको पकड़ के कितने पुलिस वालों को तो मैं देखा हूं कि चौराहे पे थप्पड़ थप्पड़ मार देते हैं उस लड़के को, जबकि पुलिस वालों को कोई अधिकार नहीं है किसी को छूने का, लेकिन अपने वर्दी का गलत फायदा उठाते हैं। खैर हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोन के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं गाइस कि इतना ज्यादा मतलब हमारे यहाँ पैसे को मोल दिया जाता है, पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके जेब में पैसा रहता ना तो आपको कोई कभी कुछ नहीं बोलता, आप कब का पैसा खिला के केस बंद करा चुके होते। ठीक है, तो गाइस यही चीज है, आप कंप्लेन कर सकते हो। नजदीकी पुलिस स्टेशन में नहीं सुन रहे हैं तो कंज्यूमर फोरम में करो, आरबीआई के सचेत पोर्टल में करो। ज्यादा से ज्यादा किस्त और रुफीलो को जाके गाइस फ्लैग करो प्ले स्टोर पे, जितना ज्यादा हो सके। आपके घर में जितना भी फोन हो, 2 ठो 4 ठो 5 ठो दोस्त का यार का जिसका है, सबका जाके प्ले स्टोर पे उस एप्लीकेशन को खोल के फ्लैग करो, रेटिंग 1 करो, तभी कुछ होगा गाइज। आपको पता है टिकटॉक की रेटिंग क्या किए थे हम लोग इंडियंस मिलके जब कैरी मिनाटी का वीडियो वायरल हुआ था। तो सेम वही करना है, रूफिलो और किस्त का एकदम फ्लैग करो, इतना फ्लैग कर दो कि ये मतलब भाग ही जाए एकदम। और जो भी इनकी एनबीएफसी है, इनकी एनबीएफसी से बात करो या तो इनके एनबीएफसी के एसआई कृपा जो भी इनकी एनबीएफसी आई थिंक, तो उस पे जाओ, उनकी वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाओ, इनका मेल आईडी जरूर मिलेगा आपको, इनका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मिलेगा। इनसे आप पर्सनली बात करो कि सर आप बताइए आप कौन से ऐसे गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, कौन से ऐसे गाइडलाइंस को ये किस्त और रूफिलो आपकी एनबीएफसी रजिस्टर होकर फॉलो कर रहे हैं, कि आप लोग क्या इनको परमिशन दिए हैं कि ये लोगों को गाली देंगे, प्रताड़ना करेंगे और लोगों को मारने पीटने की धमकी देंगे। तो गाइस ये आप उनसे पर्सनली जाके बात कर सकते हो कॉल करके। ठीक है, उनसे खुद कॉल करके आप पूछ सकते हो कि क्या इन लोगों को आप इतना अधिकार दिए हैं। मेल करके ये बात पूछ सकते हो कि हमारे साथ इतना प्रताड़ना हो रहा है। डेफिनेटली गाइस ऐसा कुछ भी इनके साथ, इनके खिलाफ इनकी एनबीएफसी एक्शन लेगी। जैसे कि बचपन में क्या होता था, हम कुछ गलती करते थे तो हमारे पापा से आ जाते थे लोग शिकायत करने, हमको तो पकड़ के पीटते नहीं थे। तो किस तरह एनबीएफसी का पापा कौन है? एसआई क्रेवा, क्योंकि उनकी एनबीएफसी एसआई क्रेवा है। तो जब उनके पापा से आप कंप्लेन करोगे तो बच्चों को डांट लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो मैं ये उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं। और डेफिनेटली यार कुछ ना कुछ होगा इनका, आप घबराओ मत, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो। किस तौर रुफिलो का जल्दी ही हम कुछ करेंगे और बहुत जल्दी बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इनको तो पता चलाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये लोग जितना प्रताड़ित करें हैं, जितना लीगल होकर इलीगल काम किए हैं ना भाई, मतलब मेरे पास इतना मैसेज आता है कि मतलब मैं अगर पढ़ने बैठ जाऊं तो मुझे पूरा एक दिन लग जाएगा। ठीक है, तो गाइस बिल्कुल भी इनसे घबराने की जरूरत नहीं, इनकी बैंड बजेगी और इनका जितना जल्दी हो सकता है आरबीआई के सचेत पोर्टल में या तो कंज्यूमर फोरम में तो डेफिनेटली कंप्लेन करना, क्योंकि वहां आपको उस पर एक्शन भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लेन कर दिए और साइबर क्राइम में जैसे कंप्लेन कर देते हो कुछ होता ही नहीं है, बहुत जल्दी नहीं होता है, 1 महीना बाद पुलिस आपको बुलाती है, तो ऐसा काम नहीं होगा। यहाँ पे आपको बहुत जल्दी एक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका कंप्लेन करो, इनकी जो भी मैं आपको बता दिया कैसे क्या क्या करना है, यही एक रास्ता है दोस्तों, 2-3 ठो यही रास्ता है। या तो आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करो, आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेन करो, या तो एसआई क्रेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उनका मेल उनका मोबाइल नंबर लेके एसआई क्रेवा को भी जो भी होगा वेबसाइट ऑफिशियल वहां पे भी आपको मिल जाएगा उनका मेल आईडी, वहां पे आप इनका कंप्लेन कर सकते हो किस्त और रुफिलो का। तो यही करना है गाइज, आई होप गाइज आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।